रहा हूं कि किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि प्रखंड और जिला के स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल जो गरीबों के लिए अनाज आ रहा है, इसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जन प्रतिनिधि और अफसर हर महीने पैसा ले रहे हैं, और इसी वजह से इस लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। कैमरे पर एक और बात बता रहा हूँ आपको, इस 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल के घूस में ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 8 रुपया प्रति क्विंटल का ही अपना हिस्सा है। ज्यादातर चुने हुए विधायक भी 6 से 8 रुपये प्रति क्विंटल हर महीने इस योजना से पैसा ले रहे हैं। जो दूसरी बड़ी योजना है आपके समस्तीपुर को अन्य कई जिलों के तरह 2019 में ODF घोषित कर दिया गया, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि सबको शौचालय बन गया, खुले में शौच रुक गई। मैं करीब 3500 गांव में अभी पैदल गया हूँ और दावे के साथ आपको बता रहा हूँ कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांव की सच्चाई है, इंक्लूडिंग समस्तीपुर। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि आप नाक पर गमछा बांधे बगैर बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर हुआ यह है कि शौचालय बनाने के लिए 2000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया है। इसमें जन प्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत नहीं है, लोग बताते हैं कि जो अधिकारी थे या है उन्होंने 2000 रुपए प्रति शौचालय पैसा लिया और शौचालय के लिए 12,000 रुपये आपको दे दिया। आपने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत अभी 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलने की बात है। ज़्यादातर जगहों पर इसके लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है। जो लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है वो ज्यादातर लोग पुराने लाभार्थी हैं जिनको 20-30 हजार रुपया पहले कभी मिला था। अभी 1,40,000 रुपया जिनको मिलना है, इन सारे लाभार्थियों को 20,000 रुपये से लेकर 35-40 हजार रुपया तक घूस देना है, तभी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जहाँ पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे, कई पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे, वहां पर भी लाभार्थियों को 20,000 रुपया जो अधिकारियों का शेयर है वो तो आपको देना ही देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींच कर आगे भेजने के लिए 2,000 रुपया, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। कई जगहों पर तो हमने ये देखा कि लोग बता रहे हैं कि घूस देने के लिए अच्छे खासे लोग मनी लेंडिंग का काम कर रहे हैं कि उनसे पैसा लीजिए, इंदिरा आवास के लिए घूस दीजिए और जब इंदिरा आवास का पैसा मिल जाएगा तो सूद सहित वो पैसा वापस कर दीजिएगा। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इंदिरा आवास योजना में घूस देने के लिए लोग पैसा कर्ज पर दे रहे हैं और उससे सूद कमा रहे। चौथी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की। मैं जब बिहार में आया था चलने तो मेरी अपनी सोच थी कि चूंकि यहाँ बेरोजगारी गरीबी इतनी है कि हर गाँव पंचायत में हमको मनरेगा का काम दिखेगा। अभी तक हमको 11 महीने में मनरेगा के सक्रिय मजदूर कहीं दिखे ही नहीं। लोग रास्ते में चलते हुए जरूर ये बताते हैं कि ये पेड़ भैया मनरेगा में लगाया गया है या कोई मिट्टी भरी गई है पंचायत भवन आंगनबाड़ी सेंटर में, मजदूर मनरेगा के फंड से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मनरेगा के सक्रिय काम करते हुए मजदूर अभी हमको 11 महीना में नहीं दिखे।